हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल ईजी बायोटीच पर लेके आई हूँ SIDBI मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ग्रेड ए ग्रेड बी की रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारा शुरू हुआ है 8 नवंबर से, और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 2 दिसंबर। जो फीस है उसको भी हम 2 दिसंबर तक पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आती है एग्ज़ाम डेट की बात। जो हमारा फेज़ वन का एग्ज़ाम है वो हमारा होगा 22 दिसंबर 2024 को, और जो हमारा फेज़ टू का एग्ज़ाम है वो हमारा होगा 19 जनवरी 2025 को। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो जनरल OBC और EWS कैटेगरी है उनके लिए 1100 रुपये फ़ीस है, और जो SC ST PH कैटेगरी है उनके लिए 175 रुपीज़ है। जो फीस है उसको हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एज लिमिट। जो ग्रेड ए की पोस्ट है उसके लिए मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 30 साल है। जो ग्रेड बी की पोस्ट है उसके लिए जो मिनिमम एज है वो है 25 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 33 ईयर्स। उसके बाद जो हमारी टोटल पोस्ट आई है वो है 72 पोस्ट। अब हम देखते हैं पोस्ट नेम और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले जो हमारी पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की जनरल की पोस्ट। यहाँ पे हमारी टोटल 50 वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ, और जो SC ST PH कैंडिडेट हैं उनकी 55% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सेकेंड बोला है CA CS CWA CFA CMA होनी चाहिए, और फिर उसके बाद बोला है बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ LLB में 60% मार्क्स के साथ, और जो SC ST PH कैटेगरी हैं उनके लिए 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। अगर हमारे पास ये एलिजिबिलिटी है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर है मैनेजर ग्रेड, मैनेजर की पोस्ट ग्रेड बी की। यहाँ पे हमारी टोटल 10 वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ, और जो SC ST PH कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% मार्क्स वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। या फिर हमारे पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में 60% मार्क्स के साथ, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जो SC ST PH कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और इसके साथ साथ हमारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर है हमारी अगली पोस्ट ग्रेड बी की, ये है मैनेजर की पोस्ट। यहाँ पे हमारी टोटल 6 वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर, मतलब LLB होनी चाहिए हमारे पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से वहाँ 50% मार्क्स के साथ, और SC ST PH कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। इनरोल होना चाहिए, मतलब जो कैंडिडेट है वो इनरोल होने चाहिए एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और उनके पास 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी है मैनेजर ग्रेड, मैनेजर की पोस्ट ग्रेड बी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर में। ये है हमारी 6 वैकेंसीज। यहाँ पे हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ, और जो SC ST PH कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, और इसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये थी हमारी SIDBI बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।